तो दोस्तों, आज भारत के मित्र रशिया की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आई है। और रशिया ने बोला है कि हम आपको अपनी तकनीक तो नहीं दे सकते हैं, परंतु यदि आप चाहें तो हम आपके साथ मिलकर एडवांस हथियारों के ऊपर काम अवश्य कर सकते हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट P-75I, और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए थी। और इन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में जिस देश से हम यह सबमरीन लेंगे उसको एक सी प्रूवन एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी भारतीय नौसेना की इन सबमरीन में लगाना होगा। साथ में इस AIP सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारतीय नौसेना और भारतीय साइंटिस्टों के साथ साझा करनी होगी। परंतु इस शर्त के आते ही जो रशिया और फ्रांस जैसे भारत के दिग्गज मित्र देश हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव से अपनी जो बोलियां थी उनको वापस ले लिया और भारत का यह जो प्रस्ताव है वो अधड़ में ही लटका हुआ है। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आ रही है कि रशिया का जो रूबिन डिजाइन नेवल ब्यूरो है उसकी तरफ से एक बार फिर से भारत के प्रोजेक्ट P-75I के अंदर अपनी दिलचस्पी को दिखाया गया है। और रूबिन डिजाइन ब्यूरो के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ऐसी जानकारी दी गई कि फिलहाल में भारत की तरफ से जो प्रोजेक्ट P-75I के तहत जो तकनीक और AIP सिस्टम मांगा गया है वो दुनिया में किसी भी देश के पास ही नहीं है। इसलिए हम भारत को AIP सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो तो प्रदान नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि भारत चाहे तो हम भारत के साथ मिलकर प्रोजेक्ट P-75I के तहत ऐसी सबमरीन का निर्माण करवा सकते हैं जो कि भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट P-75I के तहत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगी। और इसमें एडवांस AIP सिस्टम जो कि भारत के DRDO की तरफ से बनाया गया है उसको भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से यह जो हमारी सबमरीन है वो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट P-75I की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगी। पर दोस्तों, रशिया के नेवल ब्यूरो की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि दुनिया में किसी भी देश के पास AIP सिस्टम की वैध टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वह जानकारी अधूरी है, क्योंकि जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान जैसी कुछ देश हैं जिनके पास एक सी प्रूवन AIP सिस्टम है। और इस AIP सिस्टम की टेक्नोलॉजी को लेकर ऑलरेडी भारत इन देशों के साथ बातचीत भी कर रहा है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, और क्या जब रूस भारत को अपनी तकनीक नहीं देना चाहता है तो क्या भारत को फिर भी रशिया के साथ सबमरीन बनानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।